हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। आज मैं तो जा रहा हूँ एक लॉन्ग टूर पे, बरमपुर जा रहा हूँ फिर से। थोड़ा सा काम आ गया है फैमिली का, बट ट्विस्ट ये है कि आज मैं सेल्फ ड्राइव करके नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ बस में, और वो भी अकेले। तो अभी टाइम हो रहा है 5:53, 6 बजने वाले हैं। मेरा बस 8:30 है। बस निकलेगा बाबूघाट से। यहाँ से बाबूघाट जाने में मुझे लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा। तो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ एक ओला या उबर कुछ तो बुक करने का। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से जब आप ओला या उबर बुक करते हैं टुवर्ड्स हावड़ा या फिर बाबूघाट बस स्टैंड, वो लोग बुकिंग एक्सपेक्ट करते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं, मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो देखते हैं आज क्या होता है। पहले मैं तो एक गाड़ी बुक करता हूँ, अगर गाड़ी मिल जाए तो ठीक है, वहीं पर जाऊँगा। और जो भी मिला ओला उबर या फिर येलो टैक्सी जो भी हो, मैं फिर गाड़ी में बैठ के आप लोगों को फिर से मिलता हूँ। तो चले चलते हैं। Hey guys, I'm back। तो लकीली मुझे तीसरे अटेम्प्ट पे एक उबर मिल गया है। एक बहुत ही सज्जन भाई साहब ने मेरा ट्रिप एक्सेप्ट किया। मैं आपको पहले बोल रहा था ना, हावड़ा और बाबूघाट के लिए ट्रिप मिलना मुश्किल होता है, बट लकीली आज एक अच्छे आदमी मुझे मिल गए। तो उनके साथ मैं अभी जा रहा हूँ टुवर्ड्स बाबूघाट बस स्टैंड। अभी मैं पहुंचा हूँ न्यू टाउन बस स्टैंड के सामने ही हूँ, और आई थिंक मुझे पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। तो आई थिंक 7:30 बजे तक मैं पहुंच जाऊँगा। मेरा बस है 8 बजे, देन फिर बस के पास पहुंच के मैं आप लोगों से फिर से मिलता हूँ। ठीक है, चलिए। सो फ्रेंड्स, अभी मैं चिंगड़ी घाटा क्रॉस कर रहा हूँ, और आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना जाम लगा हुआ है। बहुत जाम, चिंगड़ी घाटा नॉर्मली हमेशा जाम ही रहता है। आज कुछ नई बात नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं कब तक पहुंचेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों ने चिंगड़ी घाटा का जाम क्रॉस कर लिया है, और अभी हम टुवर्ड्स ITC। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जाम फिर है। टुवर्ड्स ITC से उन्हें रॉयल बंगाल क्रॉस करके जा रहे हैं, मतलब वहाँ फ्लाईओवर चढ़ने ही वाले हैं। वहाँ फ्लाईओवर होते हुए फिर जैसे बोस रोड का फ्लाईओवर पकड़ के विक्टोरिया से राइट टर्न लेके ईडन गार्डन्स के पास लेफ्ट चले जाएंगे, तो उधर आ जाएगा हमारा बाबूघाट। यहाँ मेट्रोपोलिटन के पास भी थोड़ा थोड़ा जाम लगा हुआ है। फ्रेंड्स, अभी हम स्टिल माँ फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे हैं, उसके ऊपर ही जा रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है। आई थिंक कोलकाता में ये जो हीट वेव चल रहा है अभी, मतलब IMD का प्रेडिक्शन है कि आज बारिश होगा, कल भी थोड़ा थोड़ा बारिश होगा, बट ये जो हीट वेव चल रहा था ये पिछले 70 ईयर्स का लॉन्गेस्ट हीट वेव था। लगभग 15 दिन तक चला, और डेली 40 से ऊपर टेम्परेचर रहा, और मतलब हालत ख़राब करके रख दिया था। ठीक है, थोड़ा बहुत बारिश हो जाए तो अच्छा है, गर्मी से लोगों को थोड़ा राहत मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम ईडन गार्डन क्रॉस कर रहे हैं गेट नंबर 17, और बाबूघाट अभी पहुंचने वाले हैं। सामने थोड़ा ही आगे राइट टर्न लेके हम बाबूघाट मिल जाएगा। तो ठीक है, चलिए वहाँ पहुँचते ही आप सबसे फिर से मिलूंगा, और मैं फिर से बारिश चालू हो गई। पता नहीं, मेरे पास छाता वाता भी नहीं है, देखते हैं कैसे क्या करते हैं। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ, और मेरा मुंह भी नहीं धोया अभी तक, इसलिए मैं मेरा चेहरा नहीं दिखा रहा। और कल रात को एक ट्रेजेडी हो गया। तो क्या हुआ मैं बताऊँगा आप लोगों को थोड़ी देर में। आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो फिलहाल मैं अभी भुवनेश्वर के आसपास हूँ, भुवनेश्वर पहुँच रहा हूँ। तो भुवनेश्वर पहुँच के मैं आप सबसे फिर से मिलता हूँ। ठीक है, सुबह सुबह मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, एकदम ये खुद के स्टेट, मतलब जन्मभूमि जो बोलते हैं।
उसको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं पूरे से पहुँच कर आपसे मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू भुवनेश्वर। दिस इज द बरमुंडा बस स्टैंड। तो फ्रेंड्स, ये है बरमपुर बरमुंडा सॉरी भुवनेश्वर बरमुंडा बस स्टैंड का एंट्री गेट। मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ यहाँ पे, यहाँ काफ़ी अच्छा बना दिया है। तो वेलकम टू भुवनेश्वर। अभी यहाँ से मैं एक बरमपुर का बस पकड़ के फिर से जाऊँगा। तो कल रात को ट्रेजेडी मेरे साथ ये हुआ कि जो बरमपुर का टिकट मैंने करवाया था, जो डायरेक्ट बस, वो बस ख़राब हो गया और उसका वो कैंसिल हो गया था। तो मुझे फिर रात को बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। मैं यहाँ से तुरंत एक भुवनेश्वर के लिए टिकट किया। बरमपुर के लिए कोई और बस था नहीं, तो भुवनेश्वर के लिए एक टिकट किया। तो अभी बज रहे सुबह के 6:30, मैं पहुँचता हूँ वो भुवनेश्वर। ये भुवनेश्वर का बरमुंडा बस स्टैंड। तो यहाँ पे एंट्री करता हूँ, एंट्री करके बरमपुर का कोई एक बस देख के टिकट लेके बस में चढ़ के फिर आप लोग से मिलता हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, ये है भुवनेश्वर बरमुंडा बस स्टैंड का इनसाइड। मतलब आप जब एंट्री गेट दिखाया था, एंट्री गेट करने के बाद यहाँ से आप जाके, तो मतलब बेसिकली एंट्री है आपका और नीचे आपको इधर प्लेटफॉर्म वगैरह मिल जाएंगे, मतलब जहाँ से बस छूटता है। तो ये रहा उसका नीचे का सारा प्लेटफॉर्म। एकदम फैसिलिटीज एकदम बिल्कुल एयरपोर्ट की जैसा ही है। मतलब लगता नहीं है कि देखते कि ये बस स्टैंड है। इट्स ऑल लाइक एकदम एयरपोर्ट वाला फील आएगा आपको। बस स्टैंड काफ़ी अच्छा बना दिया है, सुंदर बना दिया है। ठीक है, चलिए मैं अभी नीचे जाता हूँ। बरमपुर के लिए क्या बस है क्या नहीं है और मैं देख के आप सबको बताता हूँ। तो सामने एक हेल्प डेस्क भी है। हेल्प डेस्क से मैंने पूछा तो बोला कि बरमपुर के लिए बस आपको प्लेटफॉर्म नंबर 27 से 31 के बीच मिलेगा। तो मैं अभी जा रहा हूँ नीचे वही प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, ये है नीचे वाला एरिया। तो मैं ये रैंप से नीचे आया हूँ अभी। जब ये प्लेटफॉर्म नंबर 23, 22, हमें जा रहे हैं 27 एंड 31, 27 टू 31 के बीच। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन सा बस स्टैंड है बरमपुर के लिए। सो फ्रेंड्स, मुझे अभी एक गवर्नमेंट बस मिल गया है। ये जाएगा बरमपुर, आई थिंक अभी बज रहा है 7:15। ये हाफ पूरी 11 बजे तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। अभी मैं जस्ट भुवनेश्वर बस स्टैंड बरमुंडा बस स्टैंड छोड़ के बस जस्ट छोड़ा है बस स्टैंड और रास्ते पे आ गया, हाईवे टच कर लिया है। तो चलिए मैं बीच बीच में आपसे मिलता रहूँगा। ठीक है, आज का ये ट्रैवल एक्सपीरियंस काफ़ी ख़तरनाक रहा। ठीक है, मतलब मुझे आदत नहीं है ऐसे चेंज करके जाने की कहीं भी। मैं हमेशा डायरेक्ट प्रेफर करता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली कल का वो जो डायरेक्ट बस था वो कैंसिल हो गया। तो अभी चेंज करके जाना पड़ रहा है। भुवनेश्वर आया, भुवनेश्वर से बरमपुर जाऊँगा, फिर वहाँ से गाँव जाने के लिए एक और बस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं। मैं आपसे बीच बीच में मिलता रहूँगा ऐसे ही। फ्रेंड्स, ये है भुवनेश्वर शहर का ब्यूटी। मतलब काफ़ी अच्छा ब्यूटिफिकेशन किया हुआ है। आपने हमारे आई थिंक चौथे वाले ब्लॉग में देखा होगा, कोलकाता टू भुवनेश्वर वाला ट्रिप में। अभी मैं फिर से वही सेम रूट देख के जा रहा हूँ, बट दिस टाइम मैंने बस।
सो फ्रेंड्स, अभी मैं बरमपुर पहुंच गया हूं। यह बरमपुर बस स्टैंड है और अभी मैं एक दूसरे लोकल बस में बैठ के अपने गांव की तरफ जा रहा हूं। ये डायरेक्ट मेरा गांव नहीं जाएगा, मुझे फिर एक जगह पर उतर के फिर एक दूसरा बस या कोरियर जो भी है उसे लेना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, गाँव पहुँच के मैं आपको वैसे मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, मैं बरमपुर से हिंजड़ी काटू या फिर काटू, इसका दो नाम है जो शहर का, वहाँ पे पहुँच के मैंने एक ऑटो रिजर्व कर लिया है और बस पकड़ने के लिए मेरे पास और पेशेंस था नहीं, तो मैंने एक डायरेक्ट ऑटो पकड़ा अपने गांव के लिए और फिर हमारी सवारी चल पड़ी है हमारे गांव की ओर। तो यहाँ से हमारा गांव और 15 किलोमीटर से मैं आई थिंक आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। फिर आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा मेरे गांव के बारे में, मेरा गांव कैसा है, उधर क्या क्या है, तो वो सब मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड अगर आप लोगों का मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मेरे कंटेंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज माई मोटिवेशन। ठीक है गाइस, चलिए अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।